नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव न्यूज चैनल सेंट सोल्जर डिवाइन पब्लिक स्कूल के कक्षा 12वीं के बच्चों को अप्रिशिएट सर्टिफिकेट वितरित किए गए। पहले यह प्रोग्राम डिवाइन जलंधर में बड़े धूमधाम से मनाया जाता था, लेकिन इस बार कोरोना की वजह से वहां संभव नहीं हो पाया। अंत सभी बच्चों को जिनके कक्षा 12वीं में 80% से ज्यादा मार्क्स प्राप्त किए, उन्हें स्कूल के प्रिंसिपल श्री जगबीर सिंह चौहान द्वारा सम्मानित किया गया। प्रिंसिपल साहब ने स्कूल के बच्चों को उज्जवल भविष्य की कामना की तथा स्कूल के सभी अध्यापकों के सहयोगी मीडिया के द्वारा सभी बच्चों का इंटरव्यू लिया। सभी बच्चों ने मीडिया से खुलकर बात की तथा अपने बारे में बताया कि मैं बड़ा होकर क्या बनूंगा। गुरदासपुर से केशव महाजन की विशेष रिपोर्ट। कितने परसेंट आपके आए हैं? आई एम स्टूडेंट ऑफ सेंट सोल्जर डिवाइन पब्लिक स्कूल गुरदासपुर एंड आई हैव स्कोर 95.2%। माय सब्जेक्ट्स इंक्लूडेड फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी विद एडिशनल मैथ्स। आई एम स्टडिंग हियर सिंस क्लास फर्स्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल, द एनवायरनमेंट इज वेरी स्टूडेंट फ्रेंडली। यू कैन अप्रोच टीचर वेरी इजीली एंड मोर ओवर आवर प्रिंसिपल्स आर वेरी हेल्पफुल। सर, स्कूल तो गाइड करता ही है, लेकिन आपकी सेल्फ स्टडी मैटर करती है। मैं यही कहूंगा कि स्टार्टिंग से प्रेपरेशन शुरू कीजिए। इट्स नॉट दैट फाइनल डे पे आगे आप कहें कि अब मैं सारा कवर कर लूंगा। स्टार्टिंग से करेंगे तो प्रेशर कम रहेगा। सर, बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, बच्चे प्रोत्साहित महसूस करते हैं और सोसाइटी का भी सर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है मेरी एजुकेशन में। सिंस क्लास प्लस वन से मैं फ्री स्टूडेंट रहा हूँ। इन्होंने मुझे लॉट्स ऑफ स्कॉलरशिप दी हैं, बुक्स भी काफ़ी प्रोवाइड की हैं, मेरी मतलब मेरी सारी रिक्वायरमेंट सेटिस्फाई करने की पूरी कोशिश की। सर, एक्चुअली आई स्कोर 97.2% इन क्लास 10th एज वेल एंड आई वॉज रिसीव प्रॉब्लम। राइट नाउ आई एम थिंकिंग ऑफ जस्ट नीट एग्जामिनेशन बिकॉज आई वॉन्ट टू परस्यू माई करियर इन डॉक्टर एज अ डॉक्टर। कितने परसेंट आपके हैं प्लस टू में? आज कल थर्ड एंड इन मेडिकल एंड सिक्योर 89%। क्या कहना चाहते हैं स्कूल के बारे में? द स्कूल इज वेरी गुड एंड आई फील दैट ऑल द स्टूडेंट्स हियर आर स्टडिंग विद वेरी हार्ड वर्किंग एंड गुड स्किल्स एंड मोर ओवर दे टॉप ऑल ओवर एंड ऑफ कोर्स इन 10th दे आर डिस्ट्रिक्ट टॉपर्स हियर। गुड टीचर्स एंड वेरी फ्रेंडली प्रिंसिपल। Any problem here, you can come directly to principal sir, and this is very good requirement. Very good morning, my name is Shubhmeet Kaur. कितने परसेंट आपके आए हैं? I have scored 87% in medical. क्या कहना चाहते हैं आपके? मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि हमारे जो टीचर्स हैं स्कूल के, दे बिकेम अ रोल मॉडल फॉर ऑल ऑफ अस एंड ड्यू टू देयर मोटिवेशन एंड देयर स्किल्स आई हैव गॉट दिस बेस्ट स्कोर इन माय एग्जामिनेशन। कितने परसेंट आए आपके? मेरे 87% आए मेडिकल। तो क्या कहना चाहते हैं आप? हमारा स्कूल बहुत ही अच्छा है, सारे टीचर्स बहुत ही फ्रेंडली हैं। कोई भी कंप्लेंट करते हैं तो हम डायरेक्ट प्रिंसिपल सर से आकर कैसा गाइड करते हैं। तो कितने परसेंट आए आप? 82% इन कॉमर्स। तो क्या कहना चाहेंगे आप स्कूल? हमारा स्कूल बहुत अच्छा है, टीचर्स बहुत सारे गाइडलाइंस देते हैं और हमें बहुत मोटिवेट करते हैं ताकि हम हार्ड वर्क करके अच्छे मार्क्स ले सकें। आगे क्या करना चाहेंगे? आगे बी कॉम एंड नेक्स्ट फर्दर स्टडी।
कितने परसेंट आया आपको? आई गॉट 83%। क्या कहना चाहेंगे आप? हमारा स्कूल बहुत ही अच्छा है, यहाँ के टीचर बहुत ही ज़्यादा कोऑपरेटिव है, तो हमें हमेशा लेक्चर के बाद चांस देते हैं कि हमारी जो प्रॉब्लम्स है जो हमसे सॉल्व नहीं हुई थी चीज़ की, आप वो हमसे क्वेश्चन कर सकते हो, हमें सारा समझाते हैं जो भी समझना। सिक्स्थ कैसा गाइड करते हैं आप सर? हमें यहाँ के टीचर बहुत ही अच्छा गाइड करते हैं, हमारे साथ हर एक चीज़ में कोऑपरेट करते हैं, जब भी हमें कोई भी काम हो हमें पूरा ठीक तरीके से समझाते हैं, और भी कॉम्पिटिशन हो उसके लिए भी हमें कहते हैं कि आप इसको करो। चरणप्रीत सिंह एंड आई हैव स्कोर 81.2% इन मेडिकल स्ट्रीम। स्कूल इज वेरी कॉजी एंड द एनवायरमेंट हियर इज वेरी फ्रेंडली। एक्चुअली द रिलेशनशिप ऑफ स्टूडेंट एंड टीचर इज नॉट द रिलेशनशिप दैट इज टू सी इन एवरी अदर स्कूल, इज द रिलेशनशिप ऑफ अ फ्रेंडशिप एंड इट्स वेरी हिलेरियस। Coming to school, I think that I've broken my monotony. Good morning to all of you. Myself Pujinder, and I feel very privileged when I am bringing my students as a topper of plus two class. Actually, when they were in 10th standard, I was discussed with them when they have entered in the school that when the flexi was made, there are number of students who have get very good positions in the 10th class also, and the history was repeated. According to some very thinkers, they said that history was not repeated, but in our school they have repeated the history. In plus two standard, when they have competed with the 10th standard, there are very little students in 10th class who got very good marks, but in plus two class I think the flexi board is getting larger and larger, and their photographs are increasing number by number, and I am very proud they are my students. When they will prevail in society, when they will get very good positions in society, I can proudly say that they are my students. They have teach by me and I have motivated them in all fields of their life. We have motivated them. School is a place where you can motivate the students not in studies, but you have to develop them all round. We have motivated them for further competitions. We have also sometimes scolded them when the situation is needed. But after that, we have given them a very friendly environment that they can give a very positive attitude towards their teachers, respect their teachers and respect their school. I am here last 4 years, and when I joined the school was not in so good position, but after that I tried my best and the student got merit holder in class 10th as well as in class 12th also. Last year Mr. Sachpreet Singh, who scored 97.2% in class 10th and also in class 12th also 95.2%, and he is a very good student, and all these students are very good. There are 8 students who got more than 90% marks. They are very good students and they are very hard working students and they are well disciplined students, and they proved them they got very good marks in their examination. I wish all the best of the student, all the students. मैं सभी बच्चों के लिए शुभकामना परमात्मा से करता हूँ कि सभी बच्चे अच्छे नंबर लेके आगे भी जहाँ पर जाए अच्छे नंबर प्राप्त करें, जो इनका गोल है उसे अचीव करें। मैं तो यही चाहता हूँ कि ये अच्छे नागरिक बने। अच्छे नागरिक का मतलब मेरा ये है कि इनकी परसेंटेज तो वाकई बहुत अच्छी आ रही है, परसेंटेज वेरी गुड, बट ऑल ओवर डेवलपमेंट जिसे कहते हैं, एक अच्छे नागरिक बने, जिस भी फील्ड में जाएं ये गरीबों की हेल्प करें। ये नहीं कि अगर किसी की सिफारिश है, कोई जानने वाला है तो उसी की हेल्प करें, नहीं, बिल्कुल कोई भी मतलब उसमें ये नहीं करना, कोई भी डिस्टेंस नहीं रखना, बल्कि मैं तो चाहूँगा कि जो पुअर है, जिनको ज़्यादा ज़रूरत है, उनकी हेल्प करें, और तभी ये देश की सेवा कर सकते हैं, क्योंकि जो अच्छे बच्चे होते हैं, अच्छे नागरिक होते हैं, वो सबको इक्वालिटी से देखते हैं, कभी भी भेदभाव ना करें, और ये अच्छी पोजीशन पहुँचेंगे तो नेचुरली हमारा देश बदलेगा। जैसे हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी कहा है कि आत्मनिर्भर भारत बने, तो आत्मनिर्भर का मतलब यही होता है कि सारे बच्चे ऑनेस्टी से काम करें और जिस भी फील्ड में जाए उसमें ईमानदारी के साथ काम करें, और नेचुरली ये कहावत है कि फर्स्ट वी चेंज देन द वर्ल्ड विल बी चेंज, पहले हम अपने को बदलेंगे तो पूरा दुनिया बदल जाएगा। तो इस भावना से मैं सभी बच्चों को बहुत फिर से शुभकामनाएं देता हूं, और अपनी कमेटी जो हमारी सेंट सोल्जर सोसाइटी है उसके मैनेजर श्री अनिल चोपड़ा जी, वाइस चेयरपर्सन मैम संगीता चोपड़ा जी,
उनका बहुत बड़ा योगदान है स्कूल को चलाने में। वो समय समय पर हमारी बहुत हेल्प करते हैं। जो भी मैं उनसे डिमांड करता हूँ, इन चार साल के दौरान उन्होंने कोई भी ऐसी हमारी डिमांड जो मैंने की उन्होंने नहीं पूरा किया हो, सभी को उन्होंने ऑनेस्टली पूरा किया है और हमें हर बात में कोऑपरेट करते हैं। जो बच्चे अच्छे पोजीशन होल्डर हैं और फाइनेंशियली अगर वो पुअर होते हैं तो उनको भी 100% फीस में भी कंसेशन देते हैं, स्कॉलरशिप भी दिया जाता है। तो मैं अपने चेयरमैन साहब का, वाइस चेयरपर्सन मैम का दिल से धन्यवाद करता हूँ और उनसे प्रार्थना करता हूँ कि वो इसी तरीके से हमारी हेल्प, हमारे बच्चों की हेल्प करता रहे और परमात्मा उन दोनों की उम्र लंबी करें और हमारी संस्थाएं, जितनी भी हमारी सैंट सोल्जर संस्थाएं हैं, सभी दिन रात तरक्की करते रहें। हमारे टोटल सैंट सोल्जर इंस्टीट्यूट के अंदर 32 स्कूल हैं, 19 कॉलेजेज हैं और अभी कनाडा यूनिवर्सिटी के साथ पाँचवे प्रोग्राम चला है, वहाँ पर भी बच्चे हमारे, उसका भी प्रोग्राम एक बहुत अच्छा प्रोग्राम उन्होंने दिया है 2+2 का, 2 साल जलंधर में स्टडी कर सकते हैं, 2 साल के बाद वो कनाडा में स्टडी कर सकते हैं और उनको पूरा डिग्री कनाडा की मिलेगी और सब जिम्मेदारी हमारी संस्था उठाएगी। उनका वो ये फ्रेंच लैंग्वेज, अदर्स लैंग्वेज जिनकी ज़रूरत होती है, सभी लैंग्वेज वो सिखाते हैं और बच्चों को उस लायक बनाते हैं कि वो जाके कनाडा में आराम से वहाँ पर वो सेटलमेंट उनका हो सकता है। तो अंत में मैं यही कहूँगा कि जितने भी हमारे बच्चे आज ये फर्स्ट आए हैं, सेकंड आए, थर्ड आए, इनके मोर देन 80% मार्क्स आए हैं, सभी बच्चे अपने मुकाम पर पहुँचे, अपने माँ बाप का नाम रोशन करें और साथ में अपने माँ बाप की बहुत इज्जत करें। कई बच्चे क्या होते हैं, इंटेलिजेंट तो होते हैं लेकिन बड़े होकर अपने माँ बाप पर ध्यान नहीं देते और उनको अकेले में छोड़ देते हैं। वो भूल जाते हैं कि माँ बाप ने हमारे लिए कितनी कुर्बानी की है, कितना सैक्रिफाइस किया है। तो सभी बच्चों से मेरी यही निवेदन है कि वे एक अच्छा नागरिक बने, सबसे पहले अपने माँ बाप की सेवा करें, उसके बाद परमात्मा का डेली नाम लें, जो जिस भी धर्म को बिलोंग करता है उसके अनुसार डेली उस परमात्मा को सुबह शाम जरूर याद करना चाहिए, क्योंकि परमात्मा हमेशा बच्चों का साथ देता है। जब हम परमात्मा को याद करते हैं तो हमें बहुत अच्छा फील होता है और वो हमेशा हमारे साथ रहता है और हमारी जो सफलता है वो बहुत जल्दी हमें सफलता प्राप्त हो जाती है। इसी शुभकामनाएं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।